कुछ महीनों पहले नेपाल के रिमोट एरिया में 9000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर यह हॉस्पिटल कुछ ऐसा दिखता था। इतनी दूर रहने की वजह से इस कम्युनिटी में बिजली नहीं है, मतलब स्थानीय डॉक्टर्स अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट तक नहीं पहुंच पाते और अक्सर उन्हें सिर्फ टॉर्च और बहुत ही बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके अंधेरे में सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बेहतर देखभाल की जरूरत पड़ने पर एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई मौत और मिसकैरेजेस भी हुए हैं। तो हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स गिफ्ट पावर, जिनके साथ हम अपने पिछले 320 फिलैंथ्रोपी वीडियोस में काम कर चुके हैं, उन्होंने डैन और डैरन को इस समस्या का हल ढूंढने में मदद करने के लिए खोलोग्विन की यात्रा पर चलने को कहा, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में। पहली सुबह डैरन की मुलाकात संजय नाम के एक स्थानीय गिफ्ट पावर इंजीनियर से हुई, जिसने उसे नीरा के बारे में एक दुखद कहानी सुनाई। उस गांव की एक महिला जिसने ठंड के मौसम में मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट की कमी के कारण अपने बच्चे को खो दिया था। उसे सबसे करीब के बर्थिंग सेंटर तक बारिश में चल के जाना पड़ता था, और क्योंकि बर्थिंग सेंटर दूर था इसलिए वो सेंटर तक नहीं पहुंच सकी और उसे बच्चे को खोना पड़ा। और सरकारी फंडिंग की कमी के कारण इस अस्पताल को कम से कम 2030 तक बिजली नहीं मिलेगी। अगर अस्पताल अच्छी बर्थिंग फैसिलिटी के साथ चालू होता तो फिर मामला पूरी तरह से अलग होता। डैरन जानते थे कि हमें जल्दी कुछ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो, तो वो मेलिसा से भी मिले, ग्रीन प्रोग्राम की फाउंडर, जो इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए ढेर सारे स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को लेकर आई। जब मैं छोटी थी मैं मलेशिया में अपने परिवार से मिलने गई। वहाँ मैंने पहली बार समंदर देखा और समंदर तट से जुड़ी चट्टानों को देखा, और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर हमें लोगों को प्रकृति की खूबसूरती दिखाने का मौका मिले तो ऐसा करके हम उनके अंदर ऐसा भाव जगा सकते हैं कि जिनसे वो भी प्रकृति की रक्षा करना चाहे। तो हमने अनिवार्य रूप से दुनिया भर से ऐसे छात्रों को लिया है जो सच में अच्छा प्रभाव डालने की परवाह करते हैं, और आने वाली पीढ़ियों का परिचय दुनिया की खूबसूरती के साथ कराने में सक्षम होना ऐसा तरीका है जो कई में दुनिया को बेहतर जगह बना सकता है। संजय और मेलिसा से मिलने के बाद डैरन काम करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। हम सोलर पैनल्स और बैटरीज लगा रहे थे ताकि अस्पताल को बिजली मिल सके, साथ ही इस कम्युनिटी की सेवा के लिए हम उन्हें इक्विपमेंट्स दे रहे थे जिससे एक सेफ और मॉडर्न बर्थिंग सेंटर बन पाए। ठीक है, हम पहले दिन के लिए तैयार हैं। टीम काम पर लगने के लिए बेहद एक्साइटेड। ये कम्प्लीट करने के बाद हम यहाँ पर खोदेंगे। चलो चले। पहले दिन के अंत तक टीम सारी खुदाई और वायरिंग का काम पूरा कर चुकी थी। मैं ये बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन इस गांव के लोगों के बारे में कुछ तो बात है। उनकी प्रामाणिकता, उनके दोस्तानेपन और उनके खुलेपन ने मुझे कुछ ही दिनों में ऐसा एहसास करवाया जैसे मैं उनके परिवार का ही हिस्सा हूँ। जैसे ही हम इस घर की ओर बढ़े, कोई अंदर भागा और उसने आग जलाई और वहाँ से धुआं निकल रहा था। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए चाय बना रहा था। ये अदरक वाली हिमालयन काली चाय है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया चाय कभी नहीं पी। यही यहाँ की संस्कृति है। ये लोग वाकई में बहुत काइंड और वेलकमिंग है, और हम जहाँ भी जाए वो हमारा ख्याल रखना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने घरों के दरवाजे खुले रखे हैं। इन्होंने हमें रहने के लिए एक कमरा दिया ताकि डैन और मैं यहाँ आराम कर सकें। लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ ही समय बाद डैन बीमार महसूस करने लगे। मुझे बहुत ज्यादा बीमार महसूस हो रहा है, तो मैं पास ही के अस्पताल में चेकअप करवाने जा रहा हूँ। इसका मतलब वो खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इलाज करवाने के लिए इतनी दूर जाना कितना मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लॉक्ड है और ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप आसपास के किसी गांव में गंभीर रूप से बीमार हैं, तो आपको अपने सबसे नजदीकी हेल्प सेंटर पहुँचने के लिए भी 7 घंटों की यात्रा करनी पड़ेगी। खुशकिस्मती से वहाँ पर एक नर्स थी जो उनका चेकअप कर पाई। ये है कारुणा, जो स्थानीय कस्बे खोला गाँव में एक नर्स है। ये मेरी चेकअप करने आई है। लेकिन क्योंकि बिजली नहीं है इसीलिए वो सिर्फ बेसिक चेकअप ही कर पाई। वो इस नतीजे पर पहुंची कि डैन की तकलीफ है गाटी। हाँ, मुझे गाटी हुआ है, जो एक दुर्लभ नेपाली बीमारी है। दरअसल ये मामूली सर्दी जुकाम है। लेकिन इतने बड़े कम्युनिटी के लिए अक्सर इससे भी ज्यादा सीरियस केसेस होते हैं, जिनके लिए इमीडिएट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो कि अवेलेबल नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर सब कुछ निर्भर था। टीम पहले से ही दबाव महसूस कर रही थी, इसलिए जब तक डैन आराम करता टीम ने काम जारी रखा। अब जब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया था, हमने सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए थे। संभल के, आराम से।
टीम की कड़ी मेहनत के कारण हम स्केड्यूल के आगे थे, तो डैरन ने संजय के बारे में और जानने के लिए समय निकाला। जब मैं ऊपरी हिमालय में काम कर रहा था और उपकरणों की मरम्मत कर रहा था, तो हमें पता चला कि इस गांव में बिल्कुल भी बिजली नहीं है। और जब हम यहां पहुंचे तो मैंने देखा कि एक बच्चा सोया था और वहां एक लकड़ी के बॉक्स में आग लगाई गई थी। और मेरे दिमाग में अचानक आया कि इस तरह के उपकरण हम भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहां नेपाल में एक टीम बनाई और फिर हमने एक बेबी वॉर्मर बनाया और हम इसे नेपाली में न्यानो न्यानी कहते हैं, जिसका मतलब है एक गर्म बच्चा। न्यानो नानी इतनी सफल हुई कि इसने यूएसए में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य इस तरह के वॉर्मर का निर्माण करना और लोगों को जागरूक करना कि इस तरह के रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल्स का क्या महत्व है। सिंपल मेडिकल इक्विपमेंट से जान बच सकती है, ये समझने के बाद डैरन ने 10 और बेबी वॉर्मर्स खरीद कर संजय को सरप्राइज किया, जिन्हें वो इस तरह के बाकी कम्युनिटीज को डोनेट कर सके। संजय, मैं तुम्हारे पास से 10 और बेबी वॉर्मर्स खरीदना चाहता हूँ, और तुम इन्हें जिस भी हॉस्पिटल या कम्युनिटी में बांटना चाहते हो वहाँ बांट सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैरन, ये मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक दिन बचा था, हम कंस्ट्रक्शन पूरा करने के बहुत करीब थे और पूरी टीम आखिरी सोलर पैनल पर साइन करने के लिए एक साथ आई। और डैरन को आखिरी बोल्ट टाइट करने का सम्मान मिला। हमने मिलकर बिना बिजली वाली इस टूटी हुई बिल्डिंग को पूरी तरह से एक अस्पताल में बदल दिया, जो इस कम्युनिटी के 16,000 से अधिक लोगों की सेवा करेगा। मैं इस बात का बहुत आभारी हूँ कि हम यहाँ आ पाए और उन्हें एक उपहार दे पाए, जो इन लोगों के लिए और आने वाली इनकी पीढ़ियों के लिए एक सार्थक बदलाव लाएगा। अब रात होने के करीब है और समुदाय को सरप्राइज करने का समय आ गया है, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। पहली बार लाइट को जल्दी देखने के लिए पूरा गांव अस्पताल के यहाँ इकट्ठा हुआ। सब लोग तैयार हैं? 3, 2, 1। किसी कम्युनिटी में पहली बार रोशनी जलते देखना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, और इससे इस समुदाय के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह संजय ने नीरा को वापस अस्पताल बुलाया ताकि वो उसे अपने बेबी वॉर्मर्स के साथ सभी नए इक्विपमेंट्स भी दिखा सके। आज उसके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि जिस दौर से वो गुजरी उससे किसी और को कभी गुजरना नहीं पड़ेगा। वो इस बर्थिंग फैसिलिटी के लिए बहुत खुश है। आखिरी सरप्राइज से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे टेस्टी स्नैक, नहीं फीसिबल्स नहीं, केलॉग्स, सिर्फ अभी के लिए क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे हैं। आज से 31 जून 2024 तक केलॉग्स माइनक्राफ्ट के साथ मिलकर आपको इस तरह के एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्रिएटर आइटम्स फ्री में दे रहे हैं, जैसे कि एक कैमल हैट, एक एक्सोलॉटल हैट और एक चेरी ब्लॉसम ड्रेस। इन गेम इस्तेमाल करने के लिए केलॉग्स सीरियल के स्पेशली मार्क्ड बॉक्सेस को खरीदने पर, जैसे कि ये केलॉग्स फ्रूट लूप्स, फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, एप्पल जैक्स और कॉर्न पॉप्स। गोल है तीनों कैरेक्टर क्रिएटर आइटम्स को जमा करना। और इस सब के साथ साथ माइनक्राफ्ट और केलॉग्स ने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। आर्बर डे वही फाउंडेशन है जिसकी मदद से हम टीम ट्रीज बना सके, और वो यूएसए में जरूरत के कारण 2.5 लाख पेड़ लगा रहे हैं। ये कमाल की बात है। और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, सारे टर्म्स और कंडीशंस देख लेना। ओके, फेस्टिवल्स, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन लोगों की मदद के लिए करना पड़ता है। थैंक यू केलॉग्स वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। संजय से बात करने पर हमें पता चला कि भले ही वो नेपाल से हैं, लेकिन वो कभी एवरेस्ट पर नहीं गया और इस विशाल पर्वत को देखना हमेशा से उसका सपना रहा है। इसीलिए आखिरी सुबह हमने उसे एक सुनहरे मौके के साथ सरप्राइज करने का फैसला किया। हम एवरेस्ट के इतने करीब आए हैं तो वहाँ जाना तो बनता ही है। हम संजय को एवरेस्ट पर वहाँ तक ले गए जहाँ तक हेलीकॉप्टर हमें ले जा सकता है। हवा की कमी के कारण डैरन, डैन और संजय वहाँ सिर्फ 2 मिनट ही बिता सके, क्योंकि उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो सकता था। डैरन और मैं आज तक कभी एक साथ इतनी ऊंचाई पर नहीं आए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एवरेस्ट को देखकर संजय भावुक होकर अपने घुटनों पर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ आना मेरे लिए एक सपने की तरह था। और एक बार फिर से मैं हमारे पार्टनर्स गिव पावर और ग्रीन प्रोग्राम को ये सब के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डैन ने इसका बिहाइंड द सीन्स वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 फिलैंथ्रोपी शूट्स पर पर्दे के पीछे ये सब होता है, मजे करो। इसे ऐसे क्लैप करो, समझे? मैंने देखा है कि आप वीडियो खत्म होने से पहले ही चले जाते हो, तो इस बार बैकग्राउंड में कैट वीडियो चलेगा।
ताकि मैं बोलता रहूं और आप बस सुनते रहे। इस वीडियो से आने वाला एड रेवेन्यू और जनरल रेवेन्यू दोनों का 100% 20 फिलैंथ्रोपी को जाता है। तो इस वीडियो को देखने से ही आप लोगों की मदद कर रहे हैं। प्लीज जाकर और वीडियोस देखो और अभी के अभी सब्सक्राइब करो या तुम्हें लोगों की मदद नहीं करनी।